और देखते भी है और खाते भी है। चलो वाफ आने लगी, ये रेडी हो गई, मैं भी खाता हूँ, चलो मैं भी रेडी हो गया, रेडी डन सुपर्ब। कभी कभी मुझे दावत पे इनविटेशन मिलता है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मुझे दावत पे इनविटेशन आएगा मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। मैं आपको आज ITC ग्रैंड सेंट्रल ले जा रहा हूँ, जहाँ शेफ मोहम्मद शरीफ ने हमें दावत पे न्योता दिया है। दावत का नाम है दावत शरीफ, खाना है अवधी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मिक्सचर और थोड़ा मॉडर्न डिशेस। तो चलो जाते हैं अंदर, मिलते हैं शेफ शरीफ से, शेफ मोहम्मद शरीफ से, और उनको पूछते हैं कि खाने में क्या है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा मिलिए शेफ शरीफ से और इनकी दावत खाने के लिए हम आज यहाँ आए। शेफ क्या बन रहा है? ये सर बना रहा हूँ ये सराय की बिरयानी। तो पहले तो गोश है इसमें? गोश है, प्याज, दही, टमाटर, टमाटर, हरी मिर्ची है। तो बनाइए, यहाँ पर हम बातें करते हैं और खाना बनाते हैं। जी, इसका चावल मैंने जो है दम करके पहले से थोड़ा सा रख लिया। अच्छा, ये जी हम ओके। तो अब ये इसकी स्टीम चालू होगी, पकना शुरू हो गया। अच्छा, तो अब इसमें मैं ये राइस डालूंगा जो 1/3 पका हुआ है। चल डाल। तो ये देखिए, ऐसे हम लोग अलाकार्ट में भी ऐसे ही बनाते हैं चावल। तो ये दम पे ही, अब पर्दे के अंदर ही राइस, पर्दे के अंदर ही रहता है, इसलिए क्योंकि इसका जो अरोमा है वो फिर चावल के अंदर ही रहता है। वेरी गुड, गुड आइडिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए राइस है, ये राइस लिया। सुपर्ब, इस तरीके से आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये तो बिरयानी बन रही है। अभी इसको क्या होगा? अब इसमें मैं थोड़ा सा सैफरन डाल देंगे। ज़ाफ़रान, सुपर्ब। और इसके ऊपर थोड़ा सा राइस और डाल देंगे, और थोड़ा राइस इस पे डाल देंगे, जिससे ये कलर थोड़ा छुप जाए, जब आप खोलेंगे तो फिर ये कलरफुल दिखेंगे। और अभी इसको दम होगा जी हाँ। अब क्या है कि ये मीट थोड़ा पका हुआ है पहले से, हाँ, और चावल भी 1/3 है। Okay. तो इसको दम करने में मुश्किल से जिसे अलाकार्ट पे 10-15 मिनट लगते हैं, उतना तो 15 मिनट में ये हो जाता, इसका जो झोल है वो खिंच जाएगा और पक जाएगा। पक जाएगा। एक बिरयानी तो हो गई, मटर बिरयानी हो गई है। वेजिटेरियन में जैसे नदरू की चाप की हम लोग ने, करेक्ट, नदरू की सामी भी होती है। अच्छा। लेकिन इसको कुछ हम लोग ने वेजिटेरियन के लिए चॉप की तरीके बना दिया। चॉप यानी नदरू यानी लोटस, लोटस स्टेम, करेक्ट। वो देखने में लगती है कि नॉनवेज है, नॉनवेज लेकिन है वेजिटेरियन। ओके, ये कर दिया है। मैं इसको या तो आप घर पे अगर आपके इसका लीड है ढक्कन, आप लगा दीजिए आटा लगा के, करेक्ट, और अगर नहीं है तो आप सिल्वर फॉइल से फॉइल लगा सकते हो इसको। तो वैसे घर में आप ज्यादातर लीड लगा के रख दीजिए तो वो सबसे बेटर रहेगा। घर में लीड लगाते हैं, आटा भी लगाते हैं उसको। अब ये जो है 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में। तो ये तो हो गई बिरयानी, और थोड़ी अलग किस्म की बिरयानी है। हाँ, ये थोड़ी अलग है, जो हमारी दमपुक की बिरयानी या केनके की जो बिरयानी है उससे ये थोड़ी अलग है। अलग है। तो ये हो गई बिरयानी, और इस दावत में क्या क्या खाने वाला हो आप बताइए मुझे। आपको समुद्री रतन दिया था जो लॉबस्टर है। कबाब में क्या है? कबाब में हमने आपको दिया था बर्रा कबाब था। बर्रा, जी मुझे बर्रा भी आपका बहुत अच्छा लगा। ITC में कबाब जन करी में बर्रा बहुत अच्छा होता है। बर्रा है, रान है, ग्रेवी में जो दिया है वो बुरानी गोश है। शरीफ भाई, अभी मैं खाना खाने बैठने वाला हूँ, तो जाते हैं, बैठते हैं और पूछते हैं कि दावत शरीफ में क्या है। तो ये रही दावत शरीफ यानी शेफ मोहम्मद शरीफ की दावत।
चलो शुरू करते हैं। यहाँ ITC में यानी ITC ग्रैंड सेंटर में कोविड के प्रोटोकॉल्स एकदम संभाल के सब रैप करके खाना आता है यहाँ। कहाँ से शुरुआत करूँ? समुंदर से शुरुआत करें? समुंदर से लॉबस्टर से शुरुआत करते हैं। क्रीमी है, मस्टर्डी है, थोड़ा सा काजू का फ्लेवर आ रहा है इसमें, गार्लिक है, स्लाइटली व्हाइट सॉस जैसा है। परफेक्ट अमेलगमेशन है एक कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिश के बीच में। जो हम लॉबस्टर थर्मिडा बनाते हैं, जो एक क्रीमी लॉबस्टर होता है, ये इंडियन वर्जन है लगता है इसका, और ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर मुझे आपने पूछा कि भैया लॉबस्टर थर्मिडोर खाओगे या ये लॉबस्टर, एनी टाइम ये लॉबस्टर। वाह, रान, पेशावरी रान खाते हैं। ये रान छोटा सा लेग होता है गोट का, जिसे स्लोली कुक किया जाता है तंदूर में। रिच स्मोकी फ्लेवर है। नादरू इसको ट्राई करते हैं। लोटस स्टेम का कबाब, क्रंची है, मसालेदार है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शब्द ढूंढूं इसके लिए, लेकिन जैसे कलकत्ता में कटलेट्स जो आते हैं ना, उसी तरह का टेस्ट है इसको। शेफ शरीफ के दिमाग की आइडिया है, उन्होंने इसको क्रिएट किया है। आप देखोगे इसे, चिकन के टुकड़े हैं, उसमें कैप्सिकम है, टमाटो है, अनियंस है, एक लाइट कलर की ग्रेवी है, ऊपर से पोमेग्रेनेट सीड्स डाले हैं। इसे खाकर लगता है कि मैं किसी पैलेस में बैठा हूँ। शाही खाना है, ग्रेवी भी रिच क्रीमी ग्रेवी है इसकी। ये खाऊं? कबाब तो कबाब होता है। ITC कबाब्स एंड करीज का सबसे फेवरेट कबाब है। इसे कहते हैं बरा। ये लोग क्या करते हैं गोश्त के साथ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये गोश्त मुंह में डालते ही गल जाता है। और यह है हलीम। हलीम खाने का तरीका होता है, पहले तो थोड़ा नींबू डालते हैं उसके ऊपर। फिर थोड़ी हरी मिर्च, फिर धनिया, फिर तला हुआ प्याज या बिरस्ता, फिर मेरी उंगलियां। हलीम भी ऐसी चीज होती है ना, जिनको पता नहीं हलीम क्या होता है। ये गोश होता है जो इतना पकाते हैं कि वो पूरा गल जाता है और पेस्ट बन जाता है उसका। हल्का हल्के 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 से मसाले जाते हैं इसमें,
और फिर ऊपर से ये सब, इसको नॉर्मली शीरमल रोटी या नान से खाते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही पसंद है। अगर हमने बात की हलीम की तो निहारी ज्यादा दूर नहीं हो सकती, चलिए निहारी खाते हैं। और इसको मैं खाऊंगा इस रोटी के साथ, क्योंकि इसमें ग्रेवी पूरा निहारी की जो ग्रेवी होती है वो ज्यादा थिक नहीं होती, लेकिन स्लाइटली जेलेटिनस यानी स्टिकी होती है, क्योंकि नॉर्मली निहारी बनाते हैं गोट के पैरों के दल्ली से, और उसमें एक जेलेटिनस क्वालिटी रहती है। अब ये बुरानी गोश्त, सिर्फ बाकी रह गई बिरयानी। अभी ये जो बिरयानी शरीफ भाई ने बनाई है उसे सराई की बिरयानी कहते हैं। सराई की बिरयानी का मतलब ये कि जो पुराने जमाने में किसी लोग ट्रैवल करते थे, जो भी मिला, चावल मिला, बकरा मिला, जो भी मिला काट के डालते थे, थोड़े थोड़े मसाले डाल के, उसे सराई की बिरयानी कहते हैं, रायता खा रहा हूँ। तो ये बिरयानी बहुत अच्छी है, मेरी ये कोशिश रहेगी जितनी भी बिरयानियाँ मैं ढूंढ पाऊंगा उतनी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ये थी हमारी आज की शाही दावत यानी दावत शरीफ। आपको अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि यू हैव टू लाइक, यू हैव टू कमेंट एंड यू हैव टू शेयर, इसके बगैर चलेगा नहीं। और आते रहिए, एवरी वीक आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि भैया खाने में क्या है। क्यों, जैसे मराठी में कहते हैं ना, अन्नदाता सुखी भव। पूरे जरा लॉबस्टर कैसा लगता है? अब खाओगे लॉबस्टर दिलेश? तू ट्राई कर यार, ऊपर का पर्दा अच्छा है। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा। चलो बस, कितना शूट करोगे यार?